दोस्तों, आखिर अपनी लाइफ में फाइनेंशियली वीक कौन नहीं होना चाहता है। ऑब्वियसली आप लोग भी यही चाहते हैं, तभी आप इस वीडियो को देखने आए हैं। लेकिन फाइनेंशियली फ्री होने से पहले इस टर्म का सही से मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए जानते हैं इस टर्म का सही मतलब आखिर क्या होता है पूरे 3 स्टेप्स में। लेकिन इससे पहले कि आप इस टर्म का मतलब सही से जानें, इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखें जिसमें समझाया गया है आखिर क्यों फाइनेंशियल नॉलेज में इंडिया इतने पीछे है, जिसमें पूरी हिस्ट्री डिस्कस की गई है कि आखिर एजुकेशन सिस्टम इतना क्यों पैरालाइज हो चुका है कि लोग अपने आप को फाइनेंशियल फ्री होने में काफ़ी टाइम लगा देते हैं। तो चलिए जानते हैं इसे पूरे 3 स्टेप। तो दोस्तों, 3 सेट में से सबसे पहला सेट ये है, अपने गोल को सेट करें। सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि आपको फाइनेंशियली फ्री होने के लिए कितने रुपए की ज़रूरत होगी। ये अमाउंट इतना होना चाहिए जिससे आप उनकी पैसिव इनकम जनरेट कर सकें, मंथली या एनुअली। यानी कि हमें कोई काम भी ना करना पड़े और पैसे भी आते रहें हर महीने। चलिए इसे एक छोटे से प्यारे से बढ़िया से एग्जांपल से समझते हैं। ग्रैंड सेबेटियर अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जाने जाते हैं। एक समय जब वो गरीब थे, 24 साल की उम्र में उन्हें जॉब से निकाल दिया जाता है, यानी कि वो बेरोजगार हो जाते हैं और उसके बाद वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहने लगते हैं। लेकिन बैंक में केवल $2.26 ही थे, लेकिन जॉब ढूंढने के लिए उनके पास केवल 3 महीने का समय ही था। पेरेंट्स खुद भी इससे ज़्यादा उन्हें नहीं रखना चाहते थे। 200 जॉब अप्लाई करने के बाद भी उनकी कहीं जॉब नहीं लग पाती है दोस्त। इसके बाद वो फ्रस्ट्रेट होकर अपने गार्डन में बैठे हुए थे और अपनी इस बुरी कंडीशन के बारे में सोच रहे थे। उनके बैग में मुश्किल से 170 रुपये ही बचे हुए थे। उस दिन ग्रैंड ने एक ऐसा गोल सेट किया कि लोग सोच भी नहीं सकते दोस्तों, जिस कंडीशन में उन्होंने गोल सेट किया कि वो केवल 5 सालों में ही फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे, चाहे उन्हें किसी भी हार्डवर्क से क्यों ना गुजरना पड़े। वो हमेशा इस पैसे की कमी के साथ नहीं रह सकते थे, यानी वो पैसे की कमी में कभी भी अपना जीवन नहीं बिताना चाहते थे। फिर वो कैलकुलेट करते हैं उन्होंने आखिर कितना रुपया फाइनेंशियली फ्री होने के लिए चाहिए होगा। फिर क्या था दोस्तों, भाई ने हिम्मत नहीं हारी और लग गया काम में। सारी बुक पढ़ डाली जितनी भी फाइनेंशियल फ्रीडम से रिलेटेड बुकें थी। वो उसके बाद वो गोल अचीव कर लेते हैं। 5 साल में ही दोस्तों उनको जो $1 मिलियन चाहिए थे, यानी कि $1,00,000 चाहिए थे फाइनेंशियल फ्री होने के लिए, वो उसको अचीव कर लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों, हमें गोल सेट करने की पावर तो समझ में आ गई। दूसरा स्टेप होता है सेव एंड इन्वेस्ट। जी हाँ दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम गेन करने के लिए दूसरा स्टेप आता है, सबसे पहले सेव करें उसके बाद इन्वेस्ट करें। यदि आप अपने पैसों को सेव और इन्वेस्ट करने की आदत नहीं बनाएंगे तो पूरी लाइफ पैसों की प्रॉब्लम के साथ ही जूझते रहेंगे। सेव और इन्वेस्ट करने के लिए जरूरी नहीं कि आप लोगों की सैलरी 1 लाख पर मंथ है, कुछ 1,000 रुपये में भी आप सही जगह इन्वेस्ट करके अच्छी खासी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। इसलिए एक एग्जांपल से समझते हैं हम इसको। सपोज आपकी सैलरी 20 लाख पर मंथ है या आप पढ़ रहे हैं, तो उसकी आपकी सैलरी 15 से 20 हज़ार होगी। सैलरी से एक्सपेंसेस यदि काट लिए जाएं तो आप 5,000 सेव आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी सैलरी बढ़ेगी, यानी कि अपने खर्चे बढ़ाने की जगह आपको सेविंग बढ़ानी होगी। सपोज आपकी मंथली सैलरी हाइक होती है 10%, जिसकी आपको बस इन्वेस्टमेंट ही करनी है। चलो अब मैजिक देखते हैं। हमने स्टार्ट किया था 5,000 रुपये से और हर साल इसे 10% बढ़ाते गए। ऐसा हमने डिसिप्लिन के साथ 30 साल तक किया और रिटर्न मिला 15% 30 साल बाद। जो अमाउंट बढ़ेगा तो आप लोग चौंक जाएंगे, वो होगा 1.3 करोड़ रुपए। जी हाँ, 1.3 करोड़ रुपीस, और ये सब 5,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट से मिलेगा। ये था पावर ऑफ कंपाउंडिंग का गेम, ठीक है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ और कैसे करनी है, यदि आप इससे रिलेटेड वीडियो जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज करना ना भूलें। बहुत इंपॉर्टेंट और ज़रूरी वीडियो आपको इससे रिलेटेड मिलेगी, ठीक है। अगला स्टेप और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, जो कि है डिसिप्लिन और पेशेंस। ये स्टेप इन्वेस्टमेंट के साथ पूरी लाइफ टाइम आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। रूस की एक सर्वे के अनुसार ये पता लगता है कि आखिर कौन लोग हैं जो सबसे ज़्यादा रिटर्न गेन कर पाते अपनी इन्वेस्टमेंट से। जी हाँ, ये रिजल्ट रहा काफी चौंकाने वाला था। पर रिजल्ट कुछ ऐसा आया, उनमें मैक्सिमम लोग मर चुके थे। जी हाँ, हैरान करने वाला रिजल्ट
आपको जरूर लगा होगा ये रिजल्ट। मेरा समझाने का मतलब ये है, जो लोग अपने इन्वेस्टमेंट को लंबे समय तक होल्ड करते हैं उनकी वेल्थ ज़्यादा क्रिएट होती है। और इस सर्वे में सबसे ज़्यादा वेल्थ डेड लोगों ने इसलिए गेन की क्योंकि वो लोग इन्वेस्टमेंट के बाद भूल चुके थे कि उन्होंने कुछ इन्वेस्ट भी किया है, इसलिए उनकी इन्वेस्टमेंट लंबे समय बाद ग्रो हुई। टाइम के साथ उनकी इन्वेस्टमेंट कंपाउंड होती गई। बहुत से लोग सेव और इन्वेस्टमेंट तो करते हैं लेकिन पेशेंस नहीं रखते, मतलब कहीं मैंने वो डिपॉजिट करने के बाद लापरवाही कर देते हैं, यानी अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ छेड़खानी कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। और कई बार उनकी इन्वेस्टमेंट को अच्छे रिटर्न भी नहीं मिल पाते हैं, जिससे वो पावर कंपाउंडिंग का मैजिक नहीं गेन कर पाते हैं और उसका बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। यदि आप ये सोचते हैं कि ज़्यादा गेन तो कुछ हो नहीं रहा है, तो अपनी इन्वेस्टमेंट को आप छेड़ने लगते हैं और तुरंत वापस इनिशियल स्टेज में आ जाते हैं। वॉरेन बफेट भी कहते हैं ज़्यादातर लोग इसलिए गरीब हैं क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट के साथ पेशेंस नहीं रखते हैं, इसलिए मैक्सिमम लोग गरीब होते हैं। तो दोस्तों, फाइनेंशियली फ्री होने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए? सबसे पहले तो सेटिंग ऑफ गोल, दूसरा स्टेप जो हमारा है वो है सेव एंड इन्वेस्ट, तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लाइफ टाइम आपके काम करेगा वो है डिसिप्लिन एंड पेशेंस। ट्रेडिंग से रिलेटेड यदि वीडियो आपको चाहिए तो नीचे कमेंट करें। इसी तरह की फाइनेंशियल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मनी ग्रेडिएंट आपके साथ है दोस्तों। यहाँ पे पर्सनल फाइनेंस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट और शेयर मार्केट की नॉलेज भी शेयर की जाती है। बाकी आप लोग के कौन से डाउट्स हैं आप लोग तुरंत नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये नॉलेज जिस बुक को पढ़ के ली गई है उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप लोग भी उस बुक को परचेस करके रीड कर सकते हैं। आप में से काफ़ी सारे दोस्तों ये प्रश्न होता है कि मैं कौन सा माइक यूज करता हूं, उसका लिंक दिया गया है, आप उसे परचेस कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ। फाइनेंशियल लर्निंग के लिए जुड़े रहिए मनी ग्रेडिएंट।